इसके अलावा कुछ और ऑटो एंसिलरी स्पेसेस में से जमुना ऑटो, ये काउंटर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और एक बार कुछ आपसे समझना चाहेंगे, देखिए पंजाब बेस्ड कंपनी है ये, और साथ ही ओवर द इयर्स इसने एक ग्रोथ रेट जो है अपना उसको मेंटेन करके रखा है, ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल ग्रोथ है ना उस ग्रोथ के पैरामीटर्स में कोई गिरावट आई है, और स्टॉक प्राइस की चाल भी एक्चुअली उसी तरीके से देखने को मिली है। हाल फिलहाल एक थोड़ा जंप जरूर दिखा रहा था, पर कुछ चार्ट पे आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि मैं देख रही थी मार्केट में जितना भी सेल ऑफ या गिरावट आई कल परसों में, इसने फिर से अपना एक मोमेंटम जो है वो शुरू कर दिया है। क्या यहाँ पे एक पोजिशनल बेट लेनी चाहिए? So, Srishti, on a lighter note, I know ये आपका domain है and you can throw a lot more light on this, on how the stock is performing and what all is going on behind the scenes. I think आपने एक बहुत ही अच्छी summary भी दे दी है इसकी, you know, from a fundamental standpoint. अब उसी को back करते हुए अगर मैं technical view भी दूं, तो you're right, इस stock में जो recovery आई है ये बहुत काबिले तारीफ है। यहाँ पे volumes थोड़े से और अगर ज्यादा होते तो conviction जो है ये और strong होता, but nevertheless, basis, you know, the relative strength and the kind of crossovers that we've seen, मुझे लग रहा है यहाँ पे बिल्कुल एक positive trade, long trade जो है ये लिया जा सकता है। 137-138 का जो new high था, मुझे लग रहा है वो इजीली यहाँ पे क्रॉस होता हुआ नजर आएगा, प्लस इस पूरे स्पेस में ही हम एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं फंड हाउसेस की तरफ से, तो शायद वो भी इसके लिए पॉजिटिव न्यूज फ्लो के तौर पे ऐड करेगा। तो 140 का आप एक टारगेट लेके चले, वो क्रॉस होगा तो आई थिंक यहाँ पे 155 का अगला टारगेट होगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है इसका 115 के करीब आता है। तो ऑल इन ऑल द सेटअप इज नाइस, देयर इज ऑल्सो द सेक्टर फोकस दैट यू नो दिस विल बेनिफिट फ्रॉम, तो जमुना ऑटो को बिल्कुल लॉन्ग साइड के लिए अपने रेडार पे रखें। ठीक है, हालांकि मैं तो